हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। सबसे पहले देखिए एक आर्टिकल है, कांगो अपॉइंट्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अमीड ईस्टर्न वॉयलेंस। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपॉइंट किया है जुदीथ सुमिनिवा तुलाका, कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ये जो मूव है बाय प्रेसिडेंट फेलिक्स टिशकेडी फुलफिल्स के द्वारा लाया गया है। उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान ये चीज़ कही थी। ठीक है, अब्दुल फतह अल सीसी स्वान इन एज इजिप्ट प्रेसिडेंट फॉर हिज थर्ड टर्म। तो अभी 2030 तक जो हैं ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें अलग डिस्कशन करने के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमन डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट कन्वर्सेशनल एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अब ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने किया है, तो ह्यूमन इज द आंसर। यूपीआई एंड्स फाइनेंशियल ईयर 24 विद रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ 199 लाख करोड़। तो देखो, यूपीआई अब आज के डेट में बहुत ही बड़ा एंड पावरफुल टूल बन चुका है। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, यूपीआई जो है ना, ये पेमेंट प्लेटफॉर्म किस तरीके से यूज़ होता है, मतलब अंडर किस गवर्नमेंट की प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ये यूज़ होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग इसके आंसर्स नहीं बताते हो जो मैं पूछता हूँ, कल भी मैंने पूछा था, आप ही का नुकसान है। नहीं पता हो तो गूगल करके बताओ, बट वो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद है अतुल मेहरा बिकम्स MD एंड CEO ऑफ एक्सिस कैपिटल। दिस इज ऑल्सो ए वन लाइनर थिंग। IIT एलमनस संदीप जैन टेक्स चार्ज एज FISME प्रेसिडेंट। दिस इज ऑल्सो ए वेरी वन लाइनर थिंग। फिर है बिंदी रानी देवी वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन IWF वर्ल्ड कप। तो इनका नाम है ब्रिंगम कॉमनवेल्थ 2022 के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट बिंदी रानी देवी जो है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो वही है यहाँ पे ये न्यूज़ है। संतोष कुमार झा इज़ द न्यू CMD ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। तो संतोष कुमार झा है जो है 1992 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के ऑफिसर हैं, और ये जो हैं अभी आपके नए CMD बन चुके हैं। ठीक, देन इसी का देखो MCQ है, जैसे जुदीथ सुमिनिवा तुलाका फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो बनती हैं, थर्ड टर्म पे आते हैं प्रेसिडेंट बन के इजिप्ट के अंदर। फिर AI कंपनी कौन सी है, हुमे है, अभी हमने डिस्कस किया। 199.89 ट्रिलियन रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। देन दिस इज़ अतुल मेहरा, अभी हमने डिस्कस किया है। संदीप जैन हु हैज़ यूनिवर्सली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देन दिस 196 kg कैटेगरी में बिंद्रियानी देवी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है IWF वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप के अंदर। देन दिस इज़ ऑल्सो संतोष कुमार झा, महाराष्ट्र गोवा एंड कर्नाटका इज़ द आंसर। वन लाइनर में देखो सारा सेम है, लास्ट के दो पॉइंट्स नए होंगे वो देख लेते हैं। हु वॉन द इंडियन सुपर लीग फेब्रुअरी 2024 प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, तो मधी तलाल। एंड विच डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ मैसिव एयर डिफेंस एक्सरसाइज इन विच न्यू एंड इंटीग्रेटेड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम वर टेस्टेड, तो अरावत गगन रक्षक। इसके अलावा अब दो टॉपिक हम आज इंडियन एक्सप्रेस से उठा रहे हैं, हिंदू में इतने कुछ स्पेशल आर्टिकल नहीं लगे जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से हैं। पहला है ब्लैक सी ग्रीन डील और दूसरा आपका है एशियान जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, तो दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है क्या इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियान कंट्रीज, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और ईशान कंट्रीज़ कौन से हैं, अभी ये जो मीट हुई थी क्या थी, ये सब थोड़ा वो समझने वाला है हम लोगों के लिए। तो ईशान की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी ने बोला है, क्या है मामला, ईशान की फुल फॉर्म क्या है। ईशान की देखो गाइस फुल फॉर्म जो है ना, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इन अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट्स क्या ईशान, विच वॉज एस्टेब्लिश टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी एंड राइजिंग टेंशन इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी रहे थे। इनका मोटो क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। एशियान का सेक्रेटरीट कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता बोल रहा हूँ, है ना। तो अभी हमने क्या देखा, एशियान की फुल फॉर्म देखी, एशियान का मोटो क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। एशियान का सेक्रेटरीट कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता। अब ईशान कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन सा है, म्यांमार। ठीक है, सबसे पहले हो गई कौन सी, म्यांमार। दूसरे नंबर पे आपकी लाओस, दूसरे पे हो गई लाओस। ठीक है, तीसरे पे आपकी हो गई मलेशिया। ठीक, फिर थाईलैंड, देन कैम्बोडिया। ठीक, फिर
सिंगापुर, ठीक, फिर इंडोनेशिया, इसके अलावा फिर आपकी मलेशिया मैंने बता ही दिया है, ब्रुनेई हो गई एक, बहुत ही गरीब कंट्री है विश्व की, वियतनाम और फिलीपींस, ठीक है। तो ये आपकी जो कंट्रीज हैं, दीज आर एशियन कंट्रीज, काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि एशियन कंट्रीज का नाम आप याद करने की ट्रिक भी है, मैं कल उसकी पीपीटी में इंक्लूड कर दूंगा, तो वो ट्रिक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एशियन कंट्रीज लर्न कैसे करते हैं ये आपको एक ट्रिक आइडिया लग जाएगा। तो जस्ट इन केस एमसीक्यू में ऐसा कुछ आ जाए जहां पे आपसे पूछ लें कि एशियन कंट्रीज कौन सी है या इनमें से कौन सी एशियन का पार्ट नहीं है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो थोड़ा सा एशियन की इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1967, कब हुआ था? 1967 में एशियन डिक्लेरेशन साइन हो गया था, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। फाउंडिंग फादर्स कौन थे एशियन के? तो वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, पांच कंट्रीज हैं, ठीक है। फाउंडिंग पार्टनर सिर्फ आपके पांच कंट्रीज हैं, जो कि थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक। चेयरमैनशिप ऑफ एशियान जो है ना, वो रोटेट होती है एनुअली बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ मेंबर स्टेट। तो दो तीन चीजें हैं एशियान के बारे में हमने समझा, पहले तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, फाउंडिंग फादर्स कितने हैं, कब बना था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन में, जो प्रेसिडेंसी है वो कैसे रोटेट होती है, एनुअली होती है बाय द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ABCD जो हमारी है, ठीक है। इसके बाद इंडिया का एशियन से क्या रिलेशन है? तो देखो इंडिया को मैं आपको पहले ना ये समझाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो भारत ना पहले बहुत ज़्यादा US और USSR इन सब पे ही फोकस करता था, बट विथ टाइम इंडिया को रियलाइज हो गया कि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश है ना, अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो हम विश्व में कभी ग्लोबल पावर आवर तो नहीं बन पाएंगे, वो भूल जाओ। क्योंकि देखो चाइना जो है ना, वो इन एशियन कंट्रीज से बहुत इनके सामने जो है लॉलीपॉप्स फेंकता है, पैसे, फ्री एड, लोन देना, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना। तो इंडिया भी फिर कुछ समय, मतलब आई थिंक इट इज अराउंड 2000 के आसपास से बोल सकते हैं, 1990s के थोड़ा बाद से बोल सकते हैं, इंडिया ने भी ना फिर एशियन कंट्रीज पे ध्यान देने का बहुत कोशिश किया। और ये कारण यही था कि अपने अड़ोस पड़ोस देशों से तो पहले अच्छे संबंध बन जाएं, तब बाहर को हम टैकल करेंगे, तो वो वाली चीज थी। आप देखो जो ये नाम आप जितने भी देख रहे हो एशियन कंट्रीज के, सब भारत के पड़ोसी तो हैं, मतलब आस ही पास तो हैं हमारे सारे ही, कोई ऐसा नहीं कि बहुत दूर है। तो कहने की चीज ये कि मतलब इन पे नजर रखना, इन पे इनसे रिलेशन मेंटेन करना, इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। तो ईशान और भारत के 25 ईयर सेलिब्रेट हुए थे, आई थिंक अभी तो ज्यादा हो चुके हैं, ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए 25th आ रहा है। ये देखो 2018 की बात है तो ये गलत है, आई थिंक 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30 ईयर्स हो चुके होंगे, ठीक है। भारत जो है ना पहली बार एशियन का सेक्टोरियल डायलॉग बना था, पार्टनर बना था 1994 में। उसके बाद धीरे धीरे भारत की एस्टेब्लिशमेंट वहां पे बढ़ती गई, 1995 में फिर वो प्रॉपर डायलॉग पार्टनर बन गया था, इस तरीके की चीजें होने लगी थी, ठीक है। अब एक और यहाँ पे टर्म यूज होती है, जैसे आप अगर ये न्यूज खोलोगे, मैं खोल देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन वेंसडे एज ही लेफ्ट फॉर इंडोनेशिया टू अटेंड 20th एशियन इंडियन समिट एंड 18th ईस्ट एशिया समिट। तो एशियान तो समझ में आ गया, पर ये क्या है ईस्ट एशिया समिट? सर ये क्या है, आपने ये तो बताया ही नहीं, तो इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट कुछ नहीं है, ये एशियान कंट्रीज प्लस, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, एशियान कंट्रीज प्लस, ठीक है। वो प्लस कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। लेट मी रिपीट इट, वो प्लस कंट्रीज कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। टोटल जो है ये 18 मेंबर्स बन जाते हैं, इनको बोला जाता है आपका EAS, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट। तो मतलब जब एशियान की समिट होती है उसी समय EAS की भी समिट हो जाती है।
तो ये वाली चीज थी है, ठीक है। ये अब काम क्या है इनका, तो वही है भाई, कैसे सारी कंट्रीज को साथ लेके आगे बढ़ा जाए, डेवलपमेंट किया जाए, इकोनॉमी बढ़ा जाए, यही सब बातें होती हैं यार इन सभी जितनी भी ये समिट्स होती हैं। पहली समिट इसकी कब हुई थी, EAS की, कुआला लुमपुर मलेशिया में, 14th of December 2005 को, ठीक है। क्लियर हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई, आई होप आ गई होंगी। इसमें आपके काम की चीजें बस यही थी, ठीक है। इसके बाद देखो एक न्यूज है, यूके टू सेट बैन रशिया वैगनर ग्रुप एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यूके ने डिसाइड किया है कि भैया वो वैगनर ग्रुप को जो है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देगा। ये तो बड़ी दुखद बात है, बट अगर कर देगा तो कर देगा, हमारा क्या जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, कल मैंने आपको फ्रांस में ना एक घटना घटी थी उसके बारे में बताया था। एक्चुअली हुआ क्या था, फ्रांस ने ऐसे पहले भी कदम उठा रखे हैं, तो अबेया होता है, इट्स लाइक हिजाब, मैंने कल आपको फोटो भी दिखाई है, उसको बैन कर दिया स्कूल के ऊपर से पहले ही। और फिर कल कुछ बच्चियां जब पहन के गई थी तो उनको वापस कर दिया था कि भैया जाओ ऐसे नहीं, ये नहीं आएगा। तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है, लेसिट बोला जाता है। लेसिट, लेसिट का मतलब क्या होता है, इट्स नॉट रिलेटेड टू फ्रांस। लेसिट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन एनी कंट्री जहां पे रिलीजन को ना स्टेट से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, मतलब स्टेट का कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से। और आप जब पब्लिक प्लेसेस पे हो ना तो रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, जो सोशल चीजें होती हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे लेसिट क्यों लाया फ्रांस के अंदर, मैं इसकी भी आपको कहानी बताऊं। देखो फ्रांस या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे ना, इनमें ना चर्च बहुत ही ज्यादा, मतलब आप सोच सकते हो कि पावरफुल हो गए थे, चर्च इंटरफेयर करने लग गए थे। जैसे ना ऐसा समय भी था इन यूरोपियन कंट्रीज में कि जब किसी साइंटिस्ट ने कुछ खोज की, वो बोला कि नहीं यार ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो चर्च को अगर वो लगता कि रिलीजन के अगेंस्ट में, उसको सजा दे देते थे भाई, इसको जेल भेज देते थे। इस तरीके की चीजें होने लग गई थी। तब धीरे धीरे ना फ्रांस को ये चीज समझ में आ गई कि रिलीजन का जो है ना ये स्टेट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और फिर वो लेसिट टाइप ऑफ सिस्टम जो है वहां पे क्रिएट हुआ। तो ये टर्म थी, मैंने कहा आपको समझा दूं इसी में। अब एक आज का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इट इज क्या, ब्लैक सी ग्रेन डील। क्या थी ब्लैक सी ग्रेन डील और अभी ये क्यों चर्चा में आ गई है, ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो ये आज ही की न्यूज़ है, हर न्यूज़पेपर में आई हुई है, टर्की की तरफ से कुछ आया है, मैं बताऊंगा अभी ये क्या है, पर पहले पूरा इसका कंटेक्स्ट समझते हैं कि ब्लैक सी ग्रीन डील है क्या, ठीक है। देखो एक चीज तो क्लियर है कि रशिया एंड यूक्रेन जो है ये वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, मतलब यहाँ पे वीट बहुत ज्यादा उगाया जाता था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ, यूक्रेन एंड रशिया का वॉर हो गया, ठीक है। यूक्रेन एंड रशिया का वॉर हो गया, क्यों हुआ था, क्योंकि रशिया चाहता था कि भाई यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, पर नेटो चाहता था नहीं हम बनेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज ने पंप किया, और इस वजह से फिर रशिया यूक्रेन का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, ठीक है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो यूक्रेन के ना कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, मैं आपको यहां पे नाम भी लिख देता हूं, ठीक। ये तीनों पोर्ट्स हैं, यहां पे लोकेशन आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है यूजिनी, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है कोरमोमुर्स्क, ठीक है। तो ये जो तीन पोर्ट थे ना आपके यूक्रेन के, गाइस फिर से देख लो लोकेशन देख लो इसकी, ये है आपकी ये तीनों पोर्ट, ठीक है। तो ये जो तीनों पोर्ट थे ना, यहां से मोस्टली पूरे विश्व का जो यूक्रेन के तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता था ग्रेन्स का, वो किया जाने लगा, किया जाता था मतलब पहले से ही। अब जब रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हुई तब हुआ क्या, रशिया के एक्सपोर्ट पे तो भाई बाकी कंट्रीज ने सेंक्शन लगा दिया, रशिया से कोई खरीद नहीं रहा था, सब लोग यूक्रेन से खरीद रहे थे। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने यहाँ पे ड्रोन अटैक करने शुरू किए कि भाई हम यहां से एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। उसके वजह से क्या हुआ, विश्व में आपने पीछे कुछ समय पहले आपको याद होगा कि वीट के प्राइजेस बढ़ गए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा वीट महंगा हो गया था क्योंकि रशिया यूक्रेन को एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहा था। और आप सोचो कि वर्ल्ड की टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट जब एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगी तब क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम सारी होने लगी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो ये हुआ, जब विश्व के अंदर वीट की कमी पड़ी, और आप ये मत गलत फहमी में रहना कि सर रोटी सिर्फ इंडिया में खाई जाती है, वीट तो सिर्फ इंडिया में यूज होती है, पाकिस्तान में यूज होती है, एशियन कंट्रीज में होती है, ऐसा नहीं है। देखो हमारे यहाँ पे रोटी ज्यादा खाई जाती है, वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेड का सेवन होता है, ब्रेड इज अ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट मील देयर वहां पे। अगर वो अभी जैसे मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, तो वो बताता है कि
वहां का खाना क्या है? वहां का खाना ये कि भाई हॉट डॉग खाओगे या कुछ भी खाओगे, सब में ब्रेड रहता है। वो ब्रेड के अंदर भैया कभी वो पोर्क डाल देते हैं, कभी चिकन डाल देते हैं, उसी में वो हैम्स डाल देते हैं, उसी में बीफ डाल देते हैं, पर वो सब कुछ ब्रेड के अंदर चलता है। और वहीं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड की ना, वहां पे आपको खाना हमारे यहाँ जैसा ही मिलेगा। जैसे अगर आप कभी किसी ऐसे एरिया में गए हो जहां पे बहुत ही अच्छे मुगल रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब मुगल जायका मिलता हो, तो वो आप जब खाने देखना, जैसे शीरमाल हो गया या शोरमा हो गया, एक बहुत ही फेमस अभी है, तो ये सब कहाँ है? टर्की वर्की से तो आए ये खाना भाई, वहीं के तो ये स्टार्टिंग थी, मुगल्स वहीं से तो सारे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ब्रेड का सेवन पूरे विश्व में है, वीट का सेवन पूरे विश्व में है। तो जब ये रशिया यूक्रेन दोनों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वीट के दाम बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ने लगे। पूरे विश्व की कंट्रीज को लगा कि भैया वैसे तो कोहराम मच जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यूएन एंड टर्की दो मीडिएटर थे, कौन थे? यूएन एंड टर्की। वो रशिया के पास गए, बोले कि रशिया भाई ये क्या कर रहे हो यार, वीट को एक्सपोर्ट करने दो यूक्रेन को, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो रशिया ने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात समझते हैं, सुनते हैं, हम वीट को एक्सपोर्ट करने देंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर से भी सैंक्शन हटाओ और हमें भी एक्सपोर्ट करने दो, हमसे भी सामान खरीदो, रशिया ने कहा, वीट के लिए ही सिर्फ। तो टर्की यूएन ने कहा ठीक है भाई, मान लिया। अब हुआ क्या कि भाई यूएन जब ये बैन वैन हटा, तो रशिया ने यहाँ पे अटैक करना बंद कर दिया, यहां से यूक्रेन का एक्सपोर्ट शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन रशिया का एक्सपोर्ट ना इतने अच्छे से शुरू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देखो रशिया पे तो बहुत सारे सेंक्शंस लगे हुए हैं ना, जैसे डॉलर वाला, स्विफ्ट वाला। तो अगर आप एक्सपोर्ट करने भी दे रहे हो, तब भी रशिया को पेमेंट नहीं मिल रही है, उससे कोई खरीद ही नहीं रहा है, वो क्या करेगा? तो इसी वजह से रशिया ने फिर से इस पूरे पोर्ट का फंक्शन को अभी रिसेंटली रोक दिया। इन जुलाई ही, जुलाई मंथ की ही बात है, रशिया ने यहाँ पे फिर से ड्रोन अटैक करने शुरू कर दिए, और जो भी वेयर हाउस थे जहाँ पे ग्रेन और ये सब स्टोर थे वो सब उड़ा दिए। तो रशिया ने इसके पीछे लॉजिक यही दिया कि भाई ये तो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बनाना हुआ, कि आप कह रहे हो कि आपने हमें सारे राइट्स दिए हैं और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट जब हमसे कोई खरीद ही नहीं रहा है, या जो डिफरेंट टाइप के सेंक्शंस लगे हैं वो हटेंगे ही नहीं, तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर लेंगे? तो ये वाली बात थी। इसके वजह से वापस से वीट के प्राइजेस फ्यूचर में आपको विश्व में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अभी क्या हुआ, क्यों, एक प्रेजेंट कंटेक्स्ट है। टर्की के जो हेड है ना एरोडोगन जी, ये अभी 5 तारीख को आई थिंक जाके मिले हैं किससे, पुतिन जी से, और ये ऐसा कह रहे थे कि अरे मैं मना लूंगा, ऑल्दो क्योंकि रशिया एंड टर्की आर ए क्लोज एलाइज, तो इन्होंने कहा मैं मना लूंगा। लेकिन इन दी एंड अगेन पुतिन जी ने साफ बोला है कि जब तक हमारे ऊपर से ना सारे सेंक्शंस नहीं हटेंगे, जब तक वेस्टर्न कंट्रीज हमारी डिमांड्स नहीं मानेगी, हम भैया ये नहीं होने देंगे। तो ये वाली बात हो गई कि भाई अगर आप हमें मारोगे तो हम भाई आपको भी नहीं करने देंगे, तो वो चीज़ है। तो रशिया का यहाँ पे ये स्टैंड है, और ये है पूरी ये ग्रेन डील। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, ठीक है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप लोगों के लिए हमने 8-7 आवर्स वाली वीडियो निकाल दी है, तो उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन में कर डालो, बिंज वॉच नहीं करना, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं है वो, 1 घंटा आधा घंटा डेली लेके बैठो, नोट्स बनाओ, अगर उस किसी टॉपिक के आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो उसी को खोल के उसमें देखो कोई नया पॉइंट तो नहीं आ रहा है, नया पॉइंट आ रहा है तो उसमें नोट कर लो, नहीं आ रहा है तो बस उसको समझ लो, आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो उस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो यही था सेशन, ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।